कल मैंने बताया था आपको एनर्जी के बारे में, और ऊर्जा के कुछ सिद्धांत होते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका रूपांतरण पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन उसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 18वीं शताब्दी तक हम सब कुछ यही मानते थे कि सारा कुछ क्या है इस जगत में, पदार्थ से बना हुआ है, और उसकी भी आप अवस्थाओं के बारे में पढ़ते थे, ठोस, द्रव और गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन व्हेन वी एंटर्ड इन द 19th सेंचुरी, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स लाइक मैटर, एवरीथिंग इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। चाहे मैं हूं कंकड़ पत्थर, एवर डीप लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, मार्कर, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, आप खुद, ये सब क्या है? दीज आर द फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस जगत में जो कुछ भी है ऊर्जा है, और ऊर्जा भी किस तरह की ऊर्जा है कि मैंने बताया एक एटम का साइज इतना होता है कि आप उसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इट इज दैट स्मॉल। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया जाए तो इससे इतनी एनर्जी निकलती है कि हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहर जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तत्काल भाप में बन गए जब अमेरिका ने उन पर एटम बनाया। आज भी उसके साइड इफेक्ट्स, लंगड़े लूले वहां लोग पैदा होते हैं और आज भी उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। यानी जो चीज आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा फिनोमिनन है यूनिवर्स का एटम, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो इतनी एनर्जी निकलती है, आप इसका परिणाम देख चुके हैं। और आगे का लिए विश्व को जो खतरा है वो केवल न्यूक्लियर एटम बम से, न्यूक्लियर पावर है, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। हमारे धर्म के क्षेत्र में भी शुरू से सारा कुछ ऊर्जा ही था, और इसलिए उल्टा जस्ट साइंस ने काम किया, साइंस ने तोड़ने का काम किया और धर्म ने जोड़ने का काम किया। तो धर्म के क्षेत्र में हमेशा से इस जगत में सारा कुछ ऊर्जा ही रहा है, और ऊर्जा के, क्योंकि धर्म का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़, साइंस ने जस्ट उल्टा काम किया, साइंस ने एटम को तोड़ने का काम किया और धर्म ने जोड़ने का काम किया। एटम कहता है कि इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, साइंस कहती है। वहीं हमारे धर्म में भी इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। हमारे धर्म में एटम माना जाता है ओम को, तुम्हारे धर्म में किसको पकड़ा है? ओम को, किसी को ने आमीन को पकड़ा है, किसी ने ओडम को पकड़ा है, लेकिन ये तीन अनाहत नाद हैं जो कॉन्स्टेंटली प्रकृति में चलते रहते हैं, आ, ऊ और मा। एक तो होता है हतनाद, हतनाद क्या होता है कि अगर मैंने ऐसे ताली बजाई, आवाज आई तो आहत हुआ, ढोलक बजाते हैं आवाज आती है। एक होता है अनाहत नाद, यानी कि आपको किसी को स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं है, विच इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द नेचर। अगर आप थोड़ा सा शांत होकर बैठे ध्यान में, तो यू विल रिकॉग्नाइज कि ये तीन वर्ड्स की हमको आवाज सुनाई देती है। हमने उसको ओम कैच कर लिया है, किसी धर्म वाले ने आमीन कैच कर लिया है, किसी ने ओरम कैच कर लिया है, बट दिस इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वर्ड्स, राइट। ओम को हम क्या मानते हैं? एटम। ओम से हमारी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। अगर हिंदू फिलोसॉफी की बात करें, ब्रह्मा जी इज द पॉजिटिवली चार्ज, शंकर जी इज द नेगेटिवली वन, एंड व्हाइल विष्णु जी इज द न्यूट्रल, सो दैट इज ओनली दिस इज द फॉर्म। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो गीता की बात हमें अब समझ में आती है 19th सेंचुरी में, कि कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि अर्जुन मार तो तुझे कोई सकता ही नहीं, तू अमर है, मरता कुछ है ही नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है। बिकॉज आज हमें ये रियलाइज हुआ है कि वी ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड, नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कृष्ण कहते तो ना तो कोई जन्मता है ना मरता है, मरता कुछ है ही नहीं। जिस दिन तुझे मार दिया जाएगा अर्जुन, उस दिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा। ये तो शरीर है, ये तो जल जाएगा, तो ऊर्जा की दूसरी फॉर्म ले लेगा, बट यू कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मैं कहता हूं वही धर्म है, पाल उसको, वही सत्य है। तो कृष्ण ने उस समय ये फिलोसफी की बात, और हम अभी के कुछ एग्जांपल्स लें तो आपको पता है कि भूटान में कुछ पत्थर के रिकॉर्ड्स पाए गए थे, और वो ऐसे रिकॉर्ड्स थे, उनकी ऐसी संरचना थी जैसी हमारी एक ऑडियो कैसेट की होती है, जब, और वो पत्थर के बने हुए। जब पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनसे धूल धमास उनकी सब अलग की और उन पर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से प्रक्षेपण किया गया, तो उन्होंने पाया कि उसमें से एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की वेव निकल रही है, और वो बताए जा रहे हैं महावीर के जमाने में। तो यानी कि महावीर के जमाने में हमारे पास कुछ ऐसा भी था
कि हम पत्थर में कुछ स्टोर कर सकते, क्योंकि पत्थर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिक्स फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ निकलने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें स्टोर था। तो पहले ऐसी भी टेक्नोलॉजी, संस्कृतियां बनती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। किसी से आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि कैन यू टेल मी अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज देर आर सो मेनी न्यूक्लियर पावर्स एंड सो मेनी बायोलॉजिकल वेपन्स आर ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो व्हाट विल हैपन इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। आइंस्टीन ने कहा आई कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द थर्ड वन, बट आई विल टेल यू अबाउट द फोर्थ वन। He was very strange. You cannot tell me about the third world war and you can predict about the fourth. So what's that? तो आइंस्टीन ने कहा कि जितने हमने आज विनाश का सामान तैयार कर लिया, अब कुछ नहीं है तो लोगों ने ऐसे केमिकल्स ढूंढ लिए कि साइबेरिया की बर्फ को पिघला देंगे। साइबेरिया की अगर बर्फ पिघला दी जाए तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, मतलब हम तो मरेंगे, तुमको भी साथ लेके मरेंगे। ऐसे ऐसे केमिकल्स की खोज कर रखी है। तो आइंस्टीन ने कहा कि इतना भीषण युद्ध होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर कि वहां कुछ बचेगा नहीं, नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। और अगर आप मान लिया बच जाए उस समय, आप अपने बच्चों से कहे अरे पहले हवाई जहाज में घूमते थे, कार में घूमते थे, तो क्या वो भरोसा करेगा? नहीं। तो आइंस्टीन कहता है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो वो डंडों से, कंकड़ पत्थरों से लड़ा जाएगा, कोई पत्थर मार के भटक भग गया, कोई डंडा मार के भग गया, तो इस तरह का वो युद्ध होगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये सारा कुछ नष्ट हो जाएगा और ये पूरा ऊर्जा का खेल चलता है। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट? तो एनर्जी, मैंने कहा था कि वी आर जस्ट स्टडिंग सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आप वर्क को भी रिलेट कर देते हैं एनर्जी। तो जहां तक मैं फिजिक्स की बात करूं, लेट मी कम टू माय टॉपिक, दैट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ थ्योरम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू रिलेट वर्क टू काइनेटिक एनर्जी।